आज मेरे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता अमित पांडे जी हैं, युवा नेता अमित पांडे जी हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, समय समय पर हर चीजों पर वे अपनी बात को रखते हैं। सर दक्षिणी से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं और इलाहाबाद में नामी एक अच्छा नाम है। अमित जी आपका मेरे टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा था, लोकतांत्रिक जनसत्ता अभी तो बने हुए बहुत कम दिन हुए, पहले से 26 पार्टियां थी, आखिर आपने इस पार्टी को क्यों चुना? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को आपके नए चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। और ईश्वर से कामना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और आपका चैनल बहुत ज्यादा सक्सेस हो। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने पूछा कि इस पार्टी से जुड़ने का कारण, हाँ। देखिए मेरी विचारधारा तो ऐसी थी कि जाति धर्म मैं मानता नहीं, और आज विशेषकर अपने उत्तर प्रदेश में राजनीति सिर्फ जाति धर्म के अंतर्गत ही रह गई है, और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राजा भैया जी जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ना यूपी में ना पूरे हिंदुस्तान में, 6-6 बार विधानसभा चुनाव व्यक्तिगत अपने नाम पे लड़े और जीते, और भाजपा में भी और सपा सरकारों में पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं। वो अपनी विचारधारा से चलने वाले, उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ। जब उन्होंने पार्टी बनाई, हम लोग उनसे पहले से भी परिचित थे, लेकिन जब पार्टी बनाए, पार्टी बनाने की बात हो रही थी तो हम सब लोगों का एक व्यू मांगा गया, तो हम लोगों ने यही किया और ऑनलाइन सर्वे भी कराया गया था। उनसे जुड़ने का यही कारण था और इस पार्टी से भी जुड़ने का ही कारण है कि जाति धर्म मजहब इन सब के ऊपर जुड़ के हैं, क्योंकि केवल अगर आप मोटा मोटी तौर समझना चाहिए तो कुंडा विधानसभा में मात्र 7,000 ठाकुर वोटर हैं, लेकिन वो चुनाव 1,00,000 मतों के अंतर से जीतते हैं। बहरहाल वो तो कुंडा विधानसभा की क्वेश्चन दूसरी है, वहाँ के वो राजा भी कहे जाते हैं, राजा भी रहे हैं। हमने सुना कि अमित पांडे सह दक्षिणी से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सह दक्षिणी में भाजपा का मंत्री भी है। जी बिल्कुल, नंदी जी। जी आप बताइए कि नंदी मंत्री 2 बार रहे हैं, उसके पहले परवेश चंद जी भी विधायक रहे हैं, सह दक्षिणी में आज क्या समस्या है जो अमित पांडे को दिखती है? सह दक्षिणी के विषय में आप ये समझिए मनोज जी, यहाँ से 6 बार के विधायक पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी थे। बिल्कुल, और उनको भी जब चुनाव हराया गया था तो नंदी जी नए नेता के तौर पे ही आए और उनको चुनाव हराया, जबकि पंडित जी ने सह दक्षिणी में जो भी विकास हुआ वो पंडित जी की देन थी, लेकिन पंडित जी के चुनाव 2007 में हारने के बाद सह दक्षिणी में आप लोग ज्यादा घूमते हैं वो हैं। आप बताइए 2007 से लेकर अभी तक कोई विकास कार्य हुआ, या परवेश जी रहे हो या नंदी जी रहे हो विधायक, जैसे मंत्री के रूप में जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने नहीं। एक मंत्री के तौर पर और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा क्या अलग लाके कर दिया कि लोग आपको याद करें कि ये फला मंत्री जी या फला विधायक जी ने ये निर्माण कार्य अपने क्षेत्र में दिया? शहर दक्षिणी की स्थिति जो थी वही है। अमित पांडे जी की क्या योजना है? मैं चुनाव में जाऊंगा अपनी पार्टी के बैनर तले, और यदि जनता मुझको चुनती है और जनता के बीच में जाता हूं तो सिर्फ एक ही मेरा मुद्दा रहेगा, सबसे पहले बेरोजगारी। आज इलाहाबाद में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया मरणासन स्थिति में है और कोई जनप्रतिनिधि उस पर बात ही नहीं करना चाहता। आज सरकार है, मंत्री जी बिल्कुल, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, वो चाहते तो पिछले 3 साल की सरकार यहाँ हो गई है, वो कोई ना कोई एक कल कारखाना यहाँ पे लगा सकते थे। मैं केवल एक विधानसभा के लिए नहीं, ये तो मैं पूरे जिले के लिए बात कर रहा हूँ। मंत्री जी ये हैं, इनकी जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री जी भी अपने जिले से हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि कम से कम जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया थी उसको रोजगार हो जाता तो रोजगार भी बढ़ जाता। बिल्कुल, क्योंकि आज आप तो पूरा हिंदुस्तान की मीडिया मजदूरों के पलायन को देख रहे हैं। जब हम अपने घर गाँव में ही नौकरी पाएंगे और रोजगार पाएंगे, मैं क्यों बाहर जाऊंगा? सीधी सी बात है, और इस विषय पे कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं करना चाहता। हम ये कहना चाहते हैं अमित जी, जैसे कि आजकल गठबंधन की राजनीति चल रही है जी, छोटे दल किसी न किसी दल में गठबंधन कर लेते हैं,
फिर पता लगा कि अमित जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो युवा हैं, उनके विचार से लोग प्रभावित हैं, उनको किसी न किसी के पीछे लग जाना होता है। अब राजा भैया की पार्टी अगर मान लिया सपा से, बसपा से या बीजेपी से गठबंधन कर ले, तो अमित पांडे का तो चुनाव लड़ने का विचार धरा का धरा रह जाएगा। मुझको आपके इस प्रश्न का इंतजार भी था कि मुझे लगा कि आप ये प्रश्न जरूर करेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हमारी पार्टी उतरी दो लोकसभा क्षेत्रों में, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी से पूर्व सांसद शैलेन्द्र जी प्रत्याशी थे और प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद अक्षय प्रताप गोपाल भैया जी थे, और ये चर्चा उस समय भी लोग कर रहे थे कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, इनका बीजेपी से गठबंधन होगा। हम लोगों ने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा। अब आपके बातों में ये है कि आगे हमारा गठबंधन, देखिए गठबंधन हमारा किसी से भी हो न हो वो भविष्य में छिपा है। हम अपनी विचारधारा के साथ हैं, मेरी पार्टी मेरे नेता अपनी विचारधारा के साथ हैं। जिसको आना होगा वो हमारे साथ आएगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं कि हमारा गठबंधन भैया आपसे हो जाए। और जब हम अपनी शर्तों पे रहेंगे तो अपने बातों पे अगर अपनी शर्तों पे राजा भैया गठबंधन करते हैं तो क्या अमित पांडे को भरोसा है कि शहर दक्षिणी के लिए वो अमित पांडे के नाम पे समझौता करेंगे, नंदी को टिकट नहीं देगी बीजेपी? देखिए ये तो क्या है ना कि फ्यूचर में क्या होता है, कितने सीटों पे गठबंधन बीजेपी से या सपा से कांग्रेस से किसी पार्टी का नाम, यदि गठबंधन की बात आती है तो पहली चीज तो कितने सीटों पर होती है, वो सीटें कौन कौन सी होती है। अगर ये हमारे खाते में आएगी तो पार्टी जरूर मुझको लड़ाएगी। कुल मिलाकर पांडे को दक्षिण से चुनाव लड़ना है जी, बिल्कुल। चलिए हमारा अगला सवाल है, आप एक युवा नेता हैं, आज आप राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? राजनीति में सबसे पहला बदलाव धन बल और बाहुबल, और खासतौर से अपने उत्तर प्रदेश की। बाहुबली पार्टी के साथ आप हैं? बिल्कुल नहीं। CBI सबसे बड़ी हमारे यहाँ जांच एजेंसी है, उससे भटक जाएंगे नहीं। अभी इस बदलाव पर बाहुबल की आपने बात की ना, उस पर बाद में बात जी, आपने बाहुबल की बात जी, बाहुबल की बात आप कैसे मेरे नेता के नाम पे कह सकते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो CBI से जो क्लीन चिट पा गए हूँ वो काहे के बाहुबल, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने जिसको क्लीन चिट दे दी। बाकी ब्लेम लगाना तो मनोज जी आप मेरे ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर भी, बात होती है जांच। जांच होने पे मैं पूर्ण रूप से मेरे नेता मेरे राष्ट्रीय जन माननीय राजा भैया जी बरी हुए ना, तो बाहुबल की तो कोई बात ही नहीं। और बाहुबल से कोई एक चुनाव जीत सकता है, दो चीज जीत सकता है, छह चुनाव नहीं जीत सकता। चलिए राजनीति में क्या बदलाव आ गया और इस पर आप बताइए, आप बता राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव हो गया है आज धनबल बाहुबल, और इसमें नेता के साथ साथ मैं बड़ी मतलब दुख से कहूंगा कि जनता भी उस वो पसंद करती है। जनता इतनी एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड नहीं है, और सबसे बड़ी विडंबना की बात है जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो इसको समझता है, अगर वो ये बात रखता है तो जनता उनको निग्लेक्ट कर देती है, पसंद ही नहीं करती। आज अब जैसे कि अपने लोकल भाषा में हम कहें कि हर आदमी भौकाल के पीछे पड़ा हुआ, दिखावा, बस दिखावा उसको चाहिए कि मेरा नेता कितनी गाड़ियों से चलता है, कितना वजन है उसका, बाकी नेता क्या काम करते हैं उससे मतलब नहीं है। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूर्व प्रतिनिधि जो जन प्रतिनिधि रहे और जो वर्तमान में भी, आज की डेट में आप लोगों से बात कीजिए, फलाना बालू का ठीके में उनका हिस्सेदारी है, इनका हिस्सेदारी है, ये व्यवसाय व्यवसायीकरण कर दिया गया है, राजनीतिकरण पीछे हो गया। मेरा सवाल अगला यही था कि आपको लगता है कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है और व्यवसाय ही राजनीति में? जी जी, पूर्ण रूप से राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। एक आम आदमी जो एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज को कुछ देना चाहता है, अगर वो आज राजनीति में आना चाहे तो उसको लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता। उसकी अपेक्षा कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके आता है तो जनता उससे प्रभावित हो जाती है। ये चीज जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा, और मैं अपनी बातों से अपने पोस्ट के माध्यम से या जहां भी हम लोग जाते हैं यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता नहीं, आप वास्तविकता जानिए आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमित जी आप एक चीज और बताएं, आपको लगता है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार वर्तमान में जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसको कंट्रोल करने में कामयाब रही है या कोरोना से युद्ध हार चुके हैं हम लोग? पूरी तरह से विफल।
आज की न्यूज अभी आधे घंटे पहले मैं टीवी पे देख रहा था, 7 मई को हिंदुस्तान में 50,000 केस थे और आज 19 मई है, आज 1 लाख के ऊपर आंकड़ा हो गया है, 10 से 12 दिन के अंदर 50,000 बढ़ गए, तो ये विफलता है। और उसके बाद किसी भी नेशनल हाईवे पे आप मजदूरों की भीड़ देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का नारा आप दे रहे हैं लेकिन एक ट्रक, एक बस और एक रोड पे भूसे की तरह इंसानों को भरा जा रहा है, मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं और इंसानों के जीवन के मूल्यों की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, तो कहां से सरकार को मैं सफल मानूंगा। सरकार पूरी केस भी बढ़ता जा रहा है, 50,000 12 दिन के अंदर केस बढ़ गया, इतनी बढ़ने की संख्या तो विदेशों में भी नहीं थी, जिस हिसाब से यहाँ बढ़ रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेता जी, अभी आप कह रहे थे कि धन बल बढ़ गया है, बाहुबल भी राजनीति में प्रवेश कर गया है, आखिर आप लोकतांत्रिक जनसत्ता दल के नेता हैं जी, एक छोटी पार्टी है ये, मात्र प्रतापगढ़ और कुछ प्रयागराज में अपना अस्तित्व रखती है जी, ऐसे में जनसत्ता दल के अस्तित्व प्रदेश में अपनी छाप कैसे छोड़ पाएगी? ये तो हमारे लोगों के ऊपर है कि हम लोगों तक पहुंचे और अपनी बात पहुंचाएं, अपनी नीतियां पहुंचाएं, अपनी बातों पे जनता को कन्विंस करें, हम जनता के लिए क्या करने आए हैं ये तो पूरी तरह से हम और मेरी पार्टी और उनके नेताओं पदाधिकारियों के ऊपर है, तो ये मेहनत तो हम लोग को करना है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, चुनौती बहुत बड़ी है लेकिन अगर उससे सोच के थक के हार के घर बैठ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में कोई समीकरण जनसत्ता दल का बन है? हम लोग तो अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे और अभी तो हम लोग 75 जिले में, लगभग 70 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी सब घोषित हो चुकी है, सभी जिलों में संगठन का काम चल रहा है जी, चल रहा है जी। अमित जी, और आप सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया पर आप आरक्षण का बहुत विरोध करते हैं जी, और जबकि हर पार्टियां आरक्षण के पक्ष में जो बात करती हैं, हम यही जानना चाहते हैं आरक्षण के विरोध के पीछे आपका क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मैं बताने वाला ही था, अगर आप न पूछते तभी बताता। हमारी पार्टी जब बनी तो उसके मूलभूत सिद्धांतों में ये भी था, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी ने जब पार्टी की घोषणा की थी तो उसमें ये था उनका कहना कि जो एससी एसटी या ओबीसी वर्ग से लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और पूर्व में ले चुके हैं क्रीमी लेयर, अब वो ऊपर उठ चुके हैं, तो उनको जैसे कि सिलेंडर लोगों ने अपने से छोड़ दिया था मोदी जी के आह्वान पे, तो उनका कहना है कि जब आपका परिवार सक्षम हो गया है तो आप आरक्षण छोड़ दीजिए और वही आरक्षण आपके जाति वर्ग के दूसरे लोगों को जो उसके असल हकदार हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए कोई एक आईएएस या आईपीएस बन जाता है व्यक्ति, तो उनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, आपके ही जाति वर्ग से दूसरे लोगों को लेना चाहिए, लेकिन कोई छोड़ने को राजी नहीं है, हर व्यक्ति जातिगत आरक्षण के आप विरोध या क्रिमिनल लेयर के आप आरक्षण के विरोध? देखिए, जातिगत आरक्षण की जरूरत एक तबके को आज भी है, लेकिन सही तरीकों में अगर माना जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की इस पे सोचने की बात है, और जातिगत आरक्षण क्योंकि गरीबी जाति धर्म मजहब देख के नहीं आती, कोई भी हो सकता है, तो अगर उसमें जातिगत आरक्षण की जगह पे आर्थिक आरक्षण इसको कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं देश का हर व्यक्ति और हर नागरिक इसको अप्रिशिएट करेगा और ये होना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, एक चीज और बताइए, राजा भैया को सपा का बड़ा करीबी माना जाता था, अखिलेश यादव जी का बड़ा करीबी माना जाता था, एक मतलब निर्दल विधायक होते हुए भी जो है उनको मंत्री बनाया गया, बनाया, लेकिन बसपा का विरोध करते करते उन्होंने सपा से भी वो दूर हो गए, और क्या अब क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी से भी दूर है, तो अब उनकी सिचुएशन क्या? नहीं, मैंने आपसे पहले बताया ना, माननीय अध्यक्ष जी कल्याण सिंह जी की सरकार में भी मंत्री थे, उस समय लोग बोलते थे कि उनके भी खास, फिर बाद में मुलायम सिंह जी नेताजी की जब पार्टी सत्ता में आई तो वो उसमें भी मंत्री हुए, अखिलेश जी की सरकार में भी हुए, वो अपनी नीतियों और अपनी सोच के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे, वो अपनी नीति और समझौते में कोई उसमें इफ एंड बट है ही नहीं, जिनको साथ आना होगा वो स्वयं आएंगे उनके पास, उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, आज भी खुला है, जनसत्ता दल कहीं नहीं जाएगी, जनसत्ता दल कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी नीतियों के साथ है, जिसको आना होगा उनका दरवाजा खुला है, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश जी ने प्रतापगढ़ के चुनाव में काफी कुछ बोला भी था, तो मीडिया में उनसे जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं,
मेरा दरवाजा सबके लिए तब भी खुला था और आज भी खुला है, जो मांगने आएगा मैं उसको दूंगा। अमित जी आपके ऊपर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत क्रिएटिव रहते हैं जी। आपके सोशल मीडिया पोस्टिंग पर गंधभक्त बहुत लिखा जाता है जी। आप गंधभक्त किसको बोलते हैं? गंधभक्त मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो किसी नेता की बातों को बगैर कुछ जाने बूझे समझे कि वो सही है या गलत है कुछ भी नहीं, बस उनकी उस बातों को मान लेना है, उसी को फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी या कोई नेता या कोई सरकार जो भी निर्णय ले वो जनता के लाभ के लिए ही हो। हमने अगर सरकार चुनी है, जनप्रतिनिधि चुना है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर उनकी कोई नीतियां जन विरोधी हुई तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर हम लोग विरोध करें और सरकार को आगाह करें कि ये गलत है। लेकिन अगर आंख बंद करके हम उसको भी फॉलो करते रहे तो मेरे नजर में वही गलत है। सही है, गलत है, केवल आप नेता के नाम पर फॉलो करें वो गलत बनती है। सोशल मीडिया पर आप बहुत सक्रिय रहते हैं, आपने कहीं पर लिखा है कि लोकल वोकल बोल करो WBM से चल पड़े जी, जी। मतलब बोलते हैं कि लोकल करो और खुद विदेशी गाड़ी चलते हैं। बिल्कुल, ये क्या जो है आपका? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बयान था अभी कुछ दिनों पहले, टीवी पर आकर उन्होंने बोला था कि स्वदेशी सामानों को ज्यादा यूज करें, लोकल का वोकल आप करिए। तो देखिए, लोकल का वोकल अच्छी चीज है, देश के सामानों को बिक्री होनी चाहिए, सब अच्छी, लेकिन सबसे पहली चीज हम अगर कोई उपदेश देते हैं तो हम उसको अपने ऊपर कितना फॉलो करते हैं, पहले हम फॉलो करें। हम वाकया भी है इसमें जी, जाट फर्नांडिस साहब वो श्रम मंत्री थे जी, जी। और उन्होंने पेप्सी और कोको कोला से तकनीकी मांगी, उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने मार्केट से ही उसको हटा जी, दिया जी, इंडिया में आप अपना बिजनेस ही जी। बिल्कुल, तो क्या वो सोच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और लोकल का वोकल आप बोल रहे हैं तो आप अपने देसी प्रोडक्ट को कितना अच्छा बना रहे हैं, सबसे पहले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी। उन एक प्रोडक्ट को अगर 10 लोग कंपनियां बना रही तो रेट अपने आप ही कम हो जाएगा, कंपटीशन का जमाना है, बाजारवाद चल रहा है। तो सबसे पहली चीज सरकार को लोकल का वोकल उन्होंने जो बोला उसका प्रचार तब करना चाहिए जब आपके स्वदेशी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के और एक वाजिब रेट पे बाजार में मिलते हों, तब आप हमको जनता को प्रोत्साहित करिए कि आप स्वदेशी सामान यूज करिए। स्वदेशी सामानों की क्वालिटी खराब है और आप कह रहे विदेशी, हम तो खरीदने विदेश नहीं जाते ना। बिल्कुल, अभी इसी पर मेरा अर्थव्यवस्था पर ही अगला सवाल था कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन और महामारी के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था टूटती जा रही है जी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो राहत पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है ये कितना लाभकारी? सबसे पहली चीज, पूरे विश्व में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां कर्जा बांटने को आर्थिक पैकेज का नाम दे दिया गया है। ये 20 लाख करोड़ रुपए बहुत भारी भरकम रकम है, सुनने में, देखने में, लिखने में भी 13 जीरो जी, लेकिन सच्चाई क्या है आज सब समझ में आ गया है कि आप कर्ज बांट रही है और कर्ज बांटना कोई पैकेज नहीं है, और वो भी इस कोरोना महामारी के समय जब बाजार बंद है, चारों तरफ मार्केट बंद है, आपसे कर्जा लेने कौन जाएगा? आपने ये छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए ये स्कीम आपने लाई, दुकान मेरी बंद है, मैं कर्जा लेके करूंगा क्या? करूंगा और जाऊंगा कैसे? हाँ। आपने तो सारे रास्ते जी, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि पहले एक साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा, EMI में आपको उसमें मूलधन नहीं देना होगा। तो बैंकिंग सेक्टर के जो भी लोग होंगे आप उनसे खुद ही पूछेंगे, जब EMI में पहले साल होती है तो पहले साल में जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, उसके बाद रेट कम हो जाते हैं भार, क्योंकि मूलधन का उसमें बंटवारा हो जाता है। और जब आप सिर्फ ब्याज पे आएंगे तो वो तो वजन पड़ ही गया ना पहले ही महीने में हो जाता। तो ये आर्थिक पैकेज बिल्कुल नहीं है, आर्थिक पैकेज ये होता ही नहीं, कर्जा है। आपने बताया कि आर्थिक पैकेज ना होके ये जो है कर्जा है। अच्छा, आप ये बताइए अमित जी, 2022 में आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी सरकार रह जाएगी या दूसरी सरकार आएगी या बदल जाएगी? इनके क्रियाकलापों से और साथ में एक सवाल इसमें और जुड़ा है, राजा भैया की क्या भूमिका रहेगी 2022? जी देखिए, वर्तमान सरकार की नीतियों से तो दिख नहीं रहा है कि जनता इनको दोबारा चुनेगी, क्योंकि
ये हर मामले में विफल है और ये कोरोना काल में इनकी जितनी भी केंद्र की भी और प्रदेश की भी सरकार की जो भी कार्य थी उस पर पानी फिर गया है। लोगों में भय का माहौल आ गया है और ये लोग भूलेंगे नहीं, 2 साल बाद ही चुनाव है। और जो व्यक्ति आज 1000 किलोमीटर अपने परिवार को लेकर पैदल नंगे पांव रोड पे चल रहा हो वो ये चीज कभी भूलेगा नहीं। और हम लोगों के ऊपर यही जिम्मेदारी है कि जनता के बीच जाके उनको सच्चाई से वाकिफ कराएं। आज एक ताना बाना बुन दिया गया है इस सरकार के द्वारा हमारी भावनाओं से खेलने का। हमारी भावनाओं से खेलने का मतलब है कि हर चीज पे आप पाकिस्तान को ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। सन 47 से पाकिस्तान का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है और पहले से भी मान सकते हैं, लेकिन आजादी हुआ सन 47 से हम लोग पाकिस्तान का और बंटवारे का दंश झेल रहे हैं, इसमें कोई वो संशय नहीं है। और हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति उसके जन्म से होती है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। पहले तो तिरंगा सिर्फ 2 ही दिन साल भर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेकर निकलता था, अब तो आदमी अपने छत पे 12 महीना लगाने लगा है। देशभक्ति तो हर आदमी अपने जन्म से लेके आता है, लेकिन इनके अंदर क्या है, जब ये हर मामले में विफल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी 3-4 दिनों पहले पोस्ट भी किया है, जब ये किसी मुद्दे में घिर जाते हैं या किसी मुद्दे से मामले को डाइवर्ट करना होता है तो इनके पास पाकिस्तान, मुसलमान और नेहरू गांधी खानदान, यही सब तीन, इन तीनों के आगे ये बढ़ ही नहीं सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है 22 के चुनाव में लोगों के बीच हम जाएं और उनको इन बातों से बताएं कि आप वो जनप्रतिनिधि या वो पार्टी को सपोर्ट करिए जो आपके मुद्दों को उठाए, सदन में उन बातों को रखे, आपके लिए कोई लाभ लेके आए। अच्छा नेताजी, एक चीज और, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जनसत्ता दल का जो है विचार किससे ज्यादा मिलता है, बीजेपी से, बसपा से या सपा से या कांग्रेस से? नहीं, इन तीनों से अलग है, क्योंकि हमारी पार्टी का तो जब बनना हुआ तो पहली चीज तो SC ST पे हिंदुस्तान के किसी नेता ने नहीं बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी ने बोला। उसके बाद उनका कहना था कि जैसे कि पूर्व में सपा की सरकार में हुआ कि जाति विशेष, धर्म विशेष से कोई सैनिक शहीद हुआ तो उसको आर्थिक पैकेज ज्यादा दिए, और कोई दूसरे धर्म से, जाति से हुआ तो उसको कम। तो उनका कहना है कि मतभेद नहीं होना चाहिए, अगर देश के लिए शहीद होने वाला वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से अगर वो देश के लिए शहीद हुआ तो उसमें पक्षपात नहीं, जितना लाभ उसको मिला है उतना ही लाभ इसको मिलना चाहिए। तीसरी बात उनका कहना था कि रेप पीड़िता के जब होती है तो उसमें भी जब सरकार कोई सहयोग राशि देनी चाहती तो उसमें भी जाति, धर्म, मजहब देखती है, फला जाति से है तो इतने लाख रुपए या ये नौकरी, दूसरी जाति से है तो ये। उनका कहना है कि रेप पीड़िता एक महिला है, वो जाति धर्म नहीं, वो एक रेप पीड़िता है, सबके लिए एक समान आपकी नीतियां होनी चाहिए। तो ऐसी बातें तो कोई और पार्टी करती नहीं, तो हम लोग तो ये समझते नहीं कि हमारी नीतियां या हमारी सोच किसी एक पार्टी से मिलती है, हम स्वतंत्र हैं अपनी सोच के लिए और अपनी सोच लोगों तक पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए, मेरा एक सवाल और है अभी इसी पर, क्या अमित पांडे चुनाव लड़ेंगे? जी पक्का, मेरी पार्टी अगर लड़ाती है तो मैं जरूर लड़ूंगा। चलिए हम सोशल मीडिया से कुछ सवाल पूछते हैं, आपकी पोस्टिंग हम लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी, धन्यवाद पढ़ते हैं उसके लिए। आपने कश्मीर के ऊपर एक चीज लिखा था कि कश्मीर में अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो कश्मीरी भीड़ के साथ उनको श्रद्धांजलि नहीं देता है, लेकिन कोई आतंकी अगर जो है मारा जाता है तो उसके नाम पर उपद्रव करने लगते हैं, उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल होते हैं। आप जरा इसका डिफरेंस समझाएं कि आपकी विचारधारा किस तरह? नहीं, बिल्कुल विचारधारा मेरी सही है। आप खुद ही मीडिया से हैं, देखें आपने कि अभी जब वो नायकू मरा तो गणित का टीचर, एक आतंकी को गणित का टीचर बता करके और उसके समर्थन में वहां के ही नागरिक, जब एक आतंकी कोई बम विस्फोट या कहीं गोलीबारी करता है तो उसका गोली और बारूद, जाति, धर्म देख के लोगों को नहीं लगता, वो हमारे देश के, देशवासियों के और सैनिकों की हत्या उससे होती है, मौत होती है, उसमें कोई वो नहीं है। और यही हम लोगों के साथ है, कोई एक आतंकी मरता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे वीर सैनिकों ने उनको मारा, तो ये सोच वहां के नागरिकों में होना चाहिए, इसमें मैं जाति धर्म की बात नहीं, उनको सोचना चाहिए हम किधर रहे, खा हिंदुस्तान का रहे हैं,
जन्म इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में लिए हैं और दफन भी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही होंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, सरकारों से विरोध हमारा भी है। हाँ, लेकिन देश के साथ गद्दारी और देश के साथ विरोध कभी नहीं करना है। नेताजी, एक चीज और आपने लिखा था, बड़ा दार्शनिक चीज था कि संस्कार और संक्रमण जी दोनों ही व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। जी, संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं जी, और संक्रमण बीमारी फैलाते जी, हैं। बिल्कुल। इतनी दार्शनिक बातें आप जो लिखे हैं, इसे कोई पॉलिटिकल अर्थ है कि नहीं? ये बातें आई कहां से? देखिए, ये तो हमारे खुद के संस्कार हैं, घर में बचपन से ऐसा संस्कार मिला है, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक और आपने लिखा है, बहुत अच्छा है, जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है जी, जैसी वाणी होती है वैसा कार्य होता है जी, और सज्जनों के मन वाणी और कार्य में समानता होती है। ये तो आपने किसी को टारगेट किया? नहीं नहीं, किसी को टारगेट नहीं, ये सबके लिए है। इन बातों को आप समझिए, हमें लगा कि राजनीति को जो ज्यादा बोलते हैं और अब देखिए वो तो मतलब निकालेंगे, लेकिन ये बात सभी के लिए है कि सब इस बात को सब समझें। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब हम जो सोचेंगे वो हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो उस पर हमको समर्थन या विरोध उसी पे मिलेगा ना। मैं सोचूं कुछ, आपसे बात कुछ करूं और बाहर निकल के कुछ करूं और काम कुछ और करूं, तो ऐसे तो नहीं। एक बात आपने बहुत सही कहा था और वो आप पर भी लागू होगा, सब पर लागू होता है, कि सत्ता किसी की भी हो लेकिन गरीबों की चिंता खाली विपक्ष को होती है। कि जब आपकी सत्ता आएगी तब भी आप जो है गरीबों का पक्ष नहीं लेंगे, भले आप चिंतित हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं और यदि मैं और मेरी पार्टी नहीं करती, तो ये चीज मुझ पर भी और मेरी पार्टी पर भी लागू होगी, यदि अगर हम ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तक इतिहास गवाह है। मैं उस बात पे आज भी खड़ा हूँ कि हम जितनी मेरी उम्र है उसके पहले की लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हैं कि देश में गरीबी हटाओ का नारा आज बढ़ती ही जा रही, मुझको हटने का तो नारा नहीं साकार होता नजर आया। दो बातें फेसबुक पर आपकी लिखी हुई मुझे बहुत अच्छी लगी, उस पर मेरा सवाल भी है। आपने एक बात लिखा कि मालिंगा को देख के लगता है कि रावण कभी भी उसके आखिर मालिंगा में क्या दिख गया कि रावण आपको दिख गया भाई? नहीं, वो रावण के शब्द सिर्फ नहीं वंशज था, मतलब थोड़ा सा उनका लुक की बात है, राक्षसी लुक जैसे कि टीवी में दिखाते हैं। अभी तो मतलब जब आप सीरियस पोस्ट से उब जाते हैं कुछ हंसी मजाक वाले जी, देखिए पोस्ट हर तरह से डालना चाहिए, अगर सिर्फ एक ही बातों को देखिए, 24 घंटे कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करता, स्ट्रेस भी खत्म जी जी, स्ट्रेस खत्म करने के लिए हमने देखा आप तरह तरह के पकवान भी पोस्ट करते हैं जी जी जी, शौकीन तो खाने के पोस्ट होते रहते हैं। और हमने एक चीज आपका पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा हमको, कि अंग्रेजी के चार शब्द कोरोना में हमने सीखा, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और लॉकडाउन, सैनिटाइजेशन जी। अच्छी बात है, अंग्रेजी तो सीखनी चाहिए। एक चीज और आपने बहुत अच्छी पोस्ट किया था, राजनीतिक पोस्ट थी, उस पर बताइए कि अगर सरकारी चीज बेचने से बच जाए तो काम करके मंत्री भी बेच दीजिए। लगता है कि मंत्री भी बिकेगी भविष्य? नहीं बिक रहे हैं क्या? आपको नहीं लग रहा नहीं बिक रहे? मध्य प्रदेश ताजा उदाहरण है, बिके ना। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी उनकी फैमिली बैकग्राउंड, सिंधिया जी कांग्रेस, आपको क्या लगता है 4 दिन के अंदर हृदय परिवर्तन हो गया? तो वो बात तो जो घट रही है वही लिख रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। चलिए नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको भी, और इसके साथ एक छोटा सा मैसेज कोरोना के लिए कि प्रधानमंत्री जी जैसा बोल रहे हैं, कम से कम हम लोग जो घर में हैं उसको तो माने, जो लोग रोड पे निकल रहे हैं ठीक है उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, हम घर पे रह सकते हैं जब तक कोई जरूरी काम ना हो, घर से ना निकले। धन्यवाद। अभी आपने देखा जनसत्ता दल के हमारे साथ युवा नेता अमित पांडे जी थे। अमित पांडे ने कहा कि सर दक्षिणी से उनकी तैयारी है, अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो जो है चुनाव लड़ेंगे। अमित पांडे जी का कहना यही है कि जब सत्ता में आदमी रहता है वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देता है, बल्कि विपक्ष में रहने वाला ज्यादा ध्यान देता है। आज सरकार कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से विफल है और सभी को अपने घरों में रहना चाहिए, बचाव ही इसका जो एक उपाय है। देखते रहिए आप मनोज तिवारी टॉक शो, आगे भी हम प्रयागराज के बहुत से नेताओं से आते हैं।